शोल्डर बनाने के लिए वैसे तो काफी सारी एक्सरसाइजेस हैं और मे बी आप सबने उनमें से बहुत सारी ट्राई की होंगी या पर डे आप उनको करते भी होंगे, बट जो एक्सरसाइजेस आज हम आपको बताने वाले हैं वो बेहद ही खास है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये एक्सरसाइजेस बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के द्वारा भी की जाती है ताकि उनके शोल्डर बड़े और ज्यादा मजबूत बन सके। इसके साथ साथ ही इन एक्सरसाइजेस की मदद से आपके शोल्डर में काफी तेजी से पंप आएगा। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बता देंगे कि जिनकी मदद से आप लोग क्या स्टैमिना भी बूस्ट होगा और आप लोग के शोल्डर काफी तेजी से बनने लग जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मजबूत होगी और उनका साइज भी काफी तेजी से इंक्रीज होगा। शोल्डर बस ही नहीं, जो ट्रिक मैं आप सबको बताऊंगा वो आप सबके पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए रहेगी और हर एक एक्सरसाइज के ऊपर वो चीजें लागू होंगी। तो आप लोग उन्हें अच्छे से अगर फॉलो करोगे तो आपके सिर्फ शोल्डर ही नहीं पूरी बॉडी आप सबकी बहुत ही तेजी के साथ बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि एक्सरसाइजेस या फिर वर्कआउट के पहले आप सबका वार्म अप हुआ करता है, उसी प्रकार से शोल्डर वर्कआउट के पहले भी आपका शोल्डर वार्म अप होगा। इसमें आप सबकी कुछ 3 से 4 एक्सरसाइजेस आ जाएंगी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज यहाँ पे आ जाती है साइड लेटरल। इस एक्सरसाइज को आप लोग वीडियो में देख सकते हो और इसके आप सबको 20 से 30 रेपिटेशन लगाने हैं। फिर दूसरी एक्सरसाइज आ जाती है फ्रंट डंबल रेसेस, इसके भी आप सबको 20 से 30 रेपिटेशन लगाने हैं। और थर्ड एक्सरसाइज आ जाती है डंबल प्रेस, इसके भी आप सबको 20 से 30 रेपिटेशन लगा लेने हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इन एक्सरसाइजेस के सिर्फ एक एक सेट ही लगाने हैं। अब यहाँ पे जो आप सबका वार्म अप है वो कंप्लीट होता है। अब बारी आ जाती है मेन एक्सरसाइज की। शोल्डर वर्कआउट में पहली एक्सरसाइज आ जाती है डंबल प्रेस, इसे आप लोग वीडियो में देख सकते हो। ये एक्सरसाइज एक कंपाउंड एक्सरसाइज हुआ करती है। यहाँ पे कंपाउंड एक्सरसाइज का मतलब है ऐसी एक्सरसाइज कि जिससे आपकी एक बार में एक से ज्यादा बॉडी पार्ट्स ट्रेन होते हो। इस एक्सरसाइज से आपके पूरे शोल्डर में तेजी से पंप आ जाता है और आपकी मसल्स काफी तेजी से स्क्वीज हुआ करती हैं। उसके साथ साथ ही आपके मसल का साइज भी काफी तेजी से इंक्रीज हुआ करता है। इस एक्सरसाइज को आप लोग चेयर में बैठकर आराम से कर सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब डंबल उठाओगे तो आपके हाथ ना ज्यादा बाहर की ओर जाएं ना ज्यादा अंदर की ओर, और हाथ आपके ढीले भी नहीं होने चाहिए। आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, कोर को टाइट रखना है, चेस्ट आपके स्ट्रेट और टाइट होने चाहिए, और आपके हाथों से जो एंगल बन रहा है वो अप्रोक्स 90 डिग्री का बनना चाहिए। फिर उसके बाद आपको हाथ ऊपर लेकर जाने हैं फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ और फिर आराम से नीचे लेकर आ जाना है। इसी प्रकार से आप लोग को इसकी 12 से 15 रेपिटेशन लगानी है और 3 से 4 सेट आराम से लगा सकते हो। इसके बाद आती है ओवरहेड प्रेस। इस एक्सरसाइज को आपको बारबेल की मदद से करना है। बॉडी पोस्चर कैसे रखना है वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपके पैरों के बीच का जो गैप है वो आपके दोनों शोल्डर के बीच में जितना गैप है सेम उतना गैप आपके पैरों के बीच में भी होना चाहिए। कोर हमेशा आपको टाइट रखना है, जो आपका सीना है वो भी टाइट और स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। बार को उठाते वक्त दोनों शोल्डर के बीच में जितना गैप है सेम गैप आपके दोनों हाथों के बीच में भी होना चाहिए। फिर आराम से बार को ऊपर लेकर जाना है। ध्यान रखना है कि बार सिर के ऊपर तक जाना चाहिए, देन उसको नीचे ले आना है। इसी प्रकार से 12 से 15 रेपिटेशन और 3 से 4 सेट। इसके बाद एक्सरसाइज आती है बोथ आर्म डंबल साइड लेटरल। इसमें मेन फोकस आपके मिडिल हेड पे रहेगा। तो डंबल की पोजीशन कैसे रखनी है वीडियो में आप लोग देख सकते हो। और जब भी आपका डंबल ऊपर की ओर जाएगा, यानी जब भी आप डंबल उठाओगे तो ध्यान रखना है आपके शोल्डर के ऊपर आपके डंबल नहीं जाने चाहिए। इसमें आपकी बॉडी ज़्यादा शेक नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा क्या 1% भी शेक नहीं होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल आप सबके लिए रहेगा। इसमें सिर्फ आपके हाथों का मूवमेंट होना चाहिए जैसा आप लोग वीडियो में देख सकते हो। इसके भी आप लोग 12 से 15 रेपिटेशन और 3 से 4 सेट लगा सकते हो। इसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है फ्रंट केबल रेसेस। इस एक्सरसाइज को भी आप लोग वीडियो में देख सकते हो। जब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे होगे तो बॉडी को फालतू में आपको हिलाना ढुलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपके हाथों का मूवमेंट होना चाहिए जैसा आप लोग वीडियो में देख सकते हो। एक्सरसाइज को फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ कीजिएगा, 12 से 15 रेपिटेशन और 3 से 4 सेट। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज आ जाती है, इसका नाम है बारबेल शक्स। काफी सिंपल एक्सरसाइज हुआ करती है, इसको आप लोग वीडियो में पहले अच्छे से देख लो। जिन बातों का ध्यान आपको रखना है एक्सरसाइज को करते वक्त वो आप समझ लीजिए। इसमें आपके हाथों के बीच का जो गैप है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत ही कम हो। आपके शोल्डर के बीच में जितना गैप है आप सेम गैप यहाँ पे अपने हाथों के बीच रख सकते हो।
इस एक्सरसाइज में भी आपकी बॉडी शेक नहीं होनी चाहिए और धीरे से आपको बार को ऊपर लेकर जाना है और आराम से ही बार को आपको नीचे लेकर भी आ जाना है। ध्यान रखना है बार को झटके से मत छोड़िएगा, एक्सरसाइज को धीरे धीरे आराम से परफॉर्म कीजिएगा और इसके भी आप लोग 3 से 4 सेट 12 से 15 रेपिटेशन लगा सकते हो। अब आपको बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स कि जिनकी मदद से आपके शोल्डर तेजी से डेवलप हो सकते हैं। शोल्डर ही नहीं, आपकी पूरी बॉडी बहुत ही तेजी के साथ डेवलप हो सकती है और आपके मसल्स भी बहुत तेजी से बनने वाले हैं। तो पहली जो टिप है, हमेशा एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले आप कोई भी एक्सरसाइज को लाइट वेट यानी कि हल्के भार से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद आप लोग धीरे धीरे वेट को इंक्रीज कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो मसल्स का ब्रेकडाउन है वो अच्छे से होगा, उसके साथ साथ ही जो मसल्स की रिकवरी है वो भी एक पॉजिटिव वे में होती रहेगी। दूसरी चीज, धीरे धीरे आप लोग प्रोटीन की मात्रा को इंक्रीज कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि मसल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन कितना ज्यादा जरूरी हुआ करता है। तो प्रोटीन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट को भी आप लोग मिस मत कीजिएगा और कैलोरीज तो यार वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं, उनकी मात्रा भी आप लोग धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो। अब जो लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आ जाती है हर एक एक्सरसाइज में आपकी रेपिटेशन। फॉर एग्जांपल आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसके 2 से 3 सेट आपको लगाने हैं और उसमें 12 से 15 रेपिटेशन है, तो जैसे जैसे आपकी बॉडी का स्टेमिना इंक्रीज होता है वैसे वैसे आप लोग उस एक्सरसाइज की रेपिटेशन को भी इंक्रीज कीजिएगा। अगर आप लोग एक बार में 10 पुशअप लगाते हो तो धीरे धीरे आपको 12, उसके बाद 15, फिर 20, इसी प्रकार से आपको रेपिटेशन भी करने हैं इंक्रीज। इससे आपकी बॉडी तेजी से बनेगी, आपका स्टैमिना भी इंक्रीज होते जाएगा और हर एक एक्सरसाइज को हमेशा फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ कीजिएगा ताकि आपकी कोई भी एक्सरसाइज बेकार ना जाए और आपको हर एक्सरसाइज का फुल बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।